ये समस्त प्रतिमाएं जो प्रतिमाएं बैठी है, श्रीमान जी नवल किशोर जी मेहता साहब और केसाराम जी सामने, गणेश जी, ये समस्त लोग बहुत ही हार्ड मेहनत करके बहुत इजीली तरीके से कॉलेज लेक्चरर बनना पॉसिबल ही नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था कि फर्स्ट ग्रेड के लिए, अपने अटेस्टेड के लिए भी दर दर ठोकर खानी पड़ती थी। रोज ज़माने में ये प्रतिभाएं निकली हैं, तो इनके सानिध्य में आपको कुछ सीखने को, कुछ समझने को, हर मन की साहत को बाहर निकालने का अवसर मिलता है, तो इससे बेहतर जीवन कभी नहीं मिल सकता। कॉलेज लाइफ एक ऐसी जिंदगी होती है जो कभी लौट के नहीं आती जीवन में। मेरे को कॉलेज जीने का अवसर नहीं मिला क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी प्राइवेट हुई है और जगदीश जी सर थे, उनके साथ ही रहता था और ट्वेल्थ करते ही वैसे सर्विस लग गई। सर बहुत एक्चुअल था ये कि गरीबी स्थिति थी और मैं पढ़ने की स्थिति में था नहीं, उन्होंने पढ़े लिखाया यहाँ तक बोलने का अवसर मिल गया, उन्हीं की वजह से सब कुछ है। मेरा तो सभी से निवेदन यही रहेगा, बाकी भाषणबाजी तो आप हमेशा ही सुनते ही होंगे और बहुत सारी प्रतिभाएं आपको बताती भी होगी। IAS बताते हैं, IPS बनाते हैं, RAS बनाते हैं, परंतु आप अपनी मेहनत से जो कुछ भी प्राप्त कर सको उसको प्राप्त करना चाहिए। सब लोग IAS नहीं बन सकते, सब लोग IPS नहीं बन सकते, सब लोग ठेकेदार नहीं बन सकते। जिसकी जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, उस स्थिति में मेहनत करो। एक गरीब का बच्चा है, वो पीओन बनता है तो उस बाप के लिए वो कलेक्टर है, उस बाप के लिए वो कलेक्टर है, क्योंकि गरीबी की स्थिति में वो बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर एक कॉलेज लेक्चरर या एक प्रोफेशनल व्यक्ति का लड़का IAS IPS बन के ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में धकेलता है, तो उसके लिए अपने जीवन में उससे बुरा दिन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज की स्थिति ये बताती है। तो अपने में पहली बात तो संस्कार रहे, अपन माँ बाप की सेवा करें, उनके प्रति अपना आदर रखें, अपने गुरुजनों के, मैं तो कहता हूँ ये समस्त गुरुजन, इनके मैं कई बार शरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं मेरे जगदीश जी गुरु जी की इनमें प्रतिमा देखता हूँ। एक शिक्षक की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो ये समस्त शिक्षक है आपके सामने, हमेशा आपको क्वेश्चन को सीखने का इनसे अवसर मिलता है। आप बढ़िया मेहनत करें, कुछ हासिल अवश्य करेंगे, मैदान में डटे रहेंगे। ऐसा एक भी उदाहरण मुझे बता दीजिए आज दिन तक में, इतिहास में, या आज से 5 साल बाद आज का दिन याद कर लो, एक कॉपी और डायरी ले लो और जिंदगी 5 साल की जिंदगी में आप इधर उधर घूम के देख लो, ऐसा एक भी उदाहरण बता देना कि सर ये 10 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है और सिलेक्शन नहीं हुआ, या उसने ऐसी मेहनत नहीं किया, मैं मेरी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। 100% एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। कई बार असफल होते हैं, खेताराम जी IRS साहब है, वो 10वें सांस में IRS बने, मेहनत की उन्होंने। गुन्नाराम जी लेगा साहब है, 13-14 साल थर्ड ग्रेड टीचर रहने के बाद में DYSP बनते हैं, बहुत सारे। ये केसाराम जी, मैं जब इनके हॉस्टल में गया, मेरे एग्जाम थे EOR के, तो बस वो एक तौलिया पहने हुए रात दिन लगे हुए थे, 2014 में ये पास आउट हुए, फिर मैंने कहा था मेरे को कॉलेज लेक्चर ही बनना, भूत सवार था इनके बस, और कुछ नहीं दिखता था मेरे को, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज। मेरे फ्रेंड था वो विजय पटवारी, और मैं और दोनों के, मैं एक प्रतिभा से मिला था, चलो मिलते हैं, फिर कॉलेज लेक्चर में कि मेरी फॉर्थ रैंक, मैंने कहा मेरी भी फॉर्थ रैंक है भाई राजस्थान में, अपन दोनों एक जैसे हो गए। तो आप मेहनत करें, कहते हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है सलनी में पानी नहीं जमता, बर्फ बनने तक हौसला बने रखिए। जय जय भारत। मुझे यहाँ आने